गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं डॉक्टर रूपाली रिछारिया और आज हम आपके सोशल साइंस का टॉपिक आर्थिक विकास और नियोजन, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यानी जैसे कोई प्लानिंग की जाती है तो प्लानिंग से पहले, योजना बनाने से पहले, नियोजन, योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन से पहले आपको उसके लक्ष्य निर्धारित करना होते हैं कि आप किस को प्राप्त करना चाहते हैं, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपको उसकी समयावधि तय करनी होती है कि आपको कितनी समयावधि में वो निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करना है। तो आर्थिक नियोजन से फिर दो बातें, इसमें दो बातें जरूरी है, दो बातें आती है सामने। पहली तो पूर्व में प्राप्त किया जाना है, यानी पहले से अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर लिया जाता है कि किन उद्देश्यों को। अब जैसे हम आर्थिक नियोजन पढ़ रहे हैं तो आर्थिक समस्याएं सुलझाना, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, जनसंख्या वृद्धि है, तो ये समस्याओं को सुलझाने के पहले हमें लक्ष्य तय करना है कि किस समस्या को हमें लेना है और हमारे उद्देश्य क्या है। दूसरा जो है वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध साधनों तथा उनके उपयोग करने का ब्यौरा। तो अब निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो प्राप्त करने के लिए हमें सुनिश्चित करना होता है कि उनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास संसाधन कौन कौन से उपलब्ध हैं। तो इसके लिए जैसे हमारी सरकार है, हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो सरकार का दायित्व है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण करना, और जो भी संसाधन उपलब्ध हैं तो उन संसाधनों का वो इस प्रकार से उपयोग करती है कि उससे अधिकतम जो है सामाजिक कल्याण हो। तो इन संसाधनों का पहले जो है सरकार के द्वारा आकलन कर लिया जाता है कि हमारे देश में किसी समस्या को सुलझाने या आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए एक तो कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, इसके अलावा संसाधनों में सारे संसाधन जैसे भौतिक और अभौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, ये सभी संसाधन आ जाएंगे। इसके अलावा देश में कितने संसाधन हैं और हमें विदेशों से कितने प्रकार के संसाधन हमें उपलब्ध हो सकते हैं। तो पहले इसका डिसीजन ले लिया जाता है या निश्चित कर लिया जाता है कि हमारे पास है और कहां कहां से उन्हें उपलब्ध किया जा सकता है। उन संसाधनों के बारे में जानकारी के बाद फिर हम आर्थिक नियोजन प्रारंभ करते हैं। अब भारत में यदि हम बात करते हैं तो भारत में आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य हैं? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही हमारे यहाँ के जो मेंटर्स थे उन्होंने आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार प्रस्तुत किए थे, और तभी से शुरुआत कर दी गई थी उसके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में कई आर्थिक चुनौतियां थी, तो किस चुनौती को पहले लिया जाए और कहां से काम शुरू किया जाए, तो इसके बारे में पहले से ही विस्तृत चर्चा प्रारंभ हो गई थी। सर्वप्रथम 1934 में सर विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षीय एक योजना प्रस्तुत की थी जिसका प्रमुख जो टॉपिक था भारत का आर्थिक विकास एवं पुनर्निर्माण। इसके 1944 में देश के कुछ प्रमुख 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे योजना प्रस्तुत की, श्रीमन नारायण जी द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की, लेकिन ये सभी योजनाएं जो प्रस्तुत की इसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ रही थी, और व्यवहारिक दिक्कतें आने के कारण इन योजनाओं को मूर्त रूप दिए जाने में कुछ समस्या आ रही थी, इसलिए इनको मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। फिर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। बेटा, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो 15 मार्च 1950 में जब हमारे यहाँ योजना आयोग बना, फिर योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं प्रस्तुत की, पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की, जैसे अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है फिलहाल में, जो कि 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक चलेगी। कोई भी योजना 1 अकाउंटिंग ईयर या 1 वित्त वर्ष के लिए, हमारे भारत में वित्त वर्ष जैसे हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो ये वित्त वर्ष जो है वो 1
अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। अब जब पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ लागू की, उस समय उसके लिए हमने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए। जैसे मुख्य जो सिद्धांत थे कि देश में आर्थिक समानता लाना, यानी इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है देश में लेकर आना। दूसरा जो इसका सामाजिक सिद्धांत था वो सामाजिक न्याय, यानी सोशल जस्टिस, यानी हमको देश में प्रगति तो करना है, विकास भी करना है, लेकिन सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के तहत हमको विकास करना है। तीसरा इसका जो मार्गदर्शी सिद्धांत थे वो आत्मनिर्भरता थी। आत्मनिर्भरता सेल्फ डिपेंडेंसी, यानी हमें किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, हमें आत्मनिर्भर होना है। और ये जो आत्मनिर्भरता विशेषतः खाद्यान्नों के लिए थी, है ना। हम जो बेसिक नीड्स है, हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जैसे भोजन है, कपड़े हैं, वस्त्र है, आवास है, तो इनके लिए एटलीस्ट भोजन के लिए हमें किसी भी देश के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो हम हमारे देशों में इतना अनाज उत्पादन करें कि खाद्यान्न की आपूर्ति हमारे में ही हम पर्याप्त हो जाए। इसी को सेल्फ डिपेंडेंसी कहा जाता है, आत्मनिर्भरता। चौथा जो इसका उद्देश्य था या मार्गदर्शी सिद्धांत कहते हैं वो कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में सुधार। कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार यानी मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण बनाना, स्किल डेवलपमेंट करना, प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट करना। स्किल डेवलपमेंट यानी सभी क्षेत्रों में, चाहे आपका प्राथमिक क्षेत्र है यानी कृषि है और वानिकी है, मत्स्य है, ये सारे प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक है विनिर्माणी, जिसे कि उद्योग क्षेत्रक, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्रक। तीनों ही क्षेत्रक में हम आधुनिकीकरण को अपनाएं। आधुनिकीकरण यानी तीनों ही क्षेत्रों में जो है आधुनिक तकनीकी का उपयोग। तो ये इसके कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत थे। इसके अलावा जो है क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की योजनाएं प्रसारित की गई, तो उनके उद्देश्य भी थोड़े अलग अलग योजनाओं के अनुसार हुए। तो ओवरऑल यदि हम देखते हैं कि कुल मूल जो उद्देश्य थे विभिन्न योजनाओं में वो इस प्रकार थे कि पहला जो है भारत की में विकास की ऊंची दर प्राप्त करना, है ना, यानी विकास जो हो रहा है हमारे देश में, आर्थिक सामाजिक जो प्रगति हो रही है विकास, तो वो हमें बढ़ती दर से मिले, यानी लगातार उसकी जो दर है दर बढ़ती जाए। दूसरा जो इसका उद्देश्य था, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति। तो ना केवल पंचवर्षीय योजनाएं जो हमने लागू की है, तो उस सामाजिक न्याय अकेला नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आर्थिक न्याय की प्राप्ति, यानी बच्चों जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है हमारे यहाँ, आर्थिक असमानता, यानी हमारे यहाँ हर वर्ग के लोग निवास करते हैं, कुछ उच्च वर्ग के हैं, कुछ निम्न वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, तो ये आय में जो भिन्नता है इसको दूर करना, आय में जो असमानता है गरीबी और अमीरी की, इसको दूर करना। इसके अलावा जो चौथा इसका उद्देश्य है वो रोजगार के अवसरों में वृद्धि, यानी पंचवर्षीय योजनाओं का जो अन्य उद्देश्य है कि विकास तो करना ही, आर्थिक विकास करना है, सामाजिक न्याय लाना है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हमारे देश में एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए विकास के साथ साथ इस प्रकार से विकास करना सभी क्षेत्रों में, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक की विकास के साथ साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो। पांचवा जो इसका मूल उद्देश्य है वो आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति। आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता यानी जो अर्थव्यवस्था में फ्लक्चुएशंस, उच्चावचन जो होते हैं, कीमतों में वृद्धि, कभी एकदम कमी आ जाती कीमतों में वृद्धि, मांग और पूर्ति में निरंतर जो हम देखते हैं कि असामंजस्य चलता रहता है, कभी जो है वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति अधिक हो जाती है, तो पूर्ति अधिक होने के कारण उसकी मांग कम हो जाती है, और मांग कम होने से कीमतें कम हो जाती हैं। कभी हम देखते हैं कि वस्तु और सेवाओं की पूर्ति किसी वर्ष कम हुई है, तो वस्तु और सेवाओं की पूर्ति कम होने के कारण से मांग बढ़ जाती है, और मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ जाती है, महंगाई, जिसे कि मुद्रा स्फीति, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मुद्रा स्फीति कहते हैं। तो मुद्रा स्फीति और अपस्फीति की समस्या सामने ना आ पाए, इसलिए मांग और पूर्ति में निरंतरता बनाए रखना, इस प्रकार से हमको पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रकार के लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, ये उसका पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। जो है
जीवन स्तर में वृद्धि करना। जीवन स्तर में वृद्धि करना यानी हम विकास करें, हम सभी क्षेत्रों में विकास करें और ऐसा विकास करें कि प्रति व्यक्ति आय बढ़े, यानी एक एक व्यक्ति की आय बढ़े, सभी व्यक्तियों को रोजगार मिले और रोजगार मिलने से उनकी आय बढ़ेगी और आय बढ़ने से उनका जीवन स्तर में वृद्धि होगी, यानी वो अच्छा रहन सहन वो जी सकेंगे, अच्छा पोषित आहार वो प्राप्त कर सकेंगे, अच्छे आवास में रह सकेंगे। तो इस प्रकार से निरंतर आर्थिक विकास के साथ साथ इन चीजों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सातवां जो है सामाजिक कल्याण को बढ़ाना। सामाजिक कल्याण मतलब आर्थिक विकास के साथ साथ आप पंचवर्षीय योजनाओं में सभी क्षेत्रों में जो विकास कर रहे हैं तो उसमें सामाजिक कल्याण को भी बढ़ाना। ये सभी लोगों को समान अधिकार होने चाहिए, समान रूप से सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, उन्हें सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा उन्हें मिलनी चाहिए और शुद्ध पेयजल, ये सभी सारी चीजें यहाँ के लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। ये जो पंचवर्षीय योजना का सातवां उद्देश्य था। आठवां पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन यानी सभी जो समस्याओं की जो जड़ होती है गरीबी निर्धनता होती है, तो पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार से विकास किया जाए कि जो है रोजगार के अवसरों में तो वृद्धि हो, उसके साथ साथ फिर गरीबी उन्मूलन भी हो। तो ये ओवरऑल जो पंचवर्षीय योजना है हमारे यहाँ लागू की गई, तो अलग अलग योजनाओं के हिसाब से ये अलग अलग प्रकार के ओवरऑल उद्देश्य है कि इनको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की बात होती है तो पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल सन 1951 से चल रहा है। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की, फिर 1 अप्रैल 1951 से हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1991 से लेके 31 मार्च 1956 तक चली। ये जो योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था हमें कृषि में उन्नति करना। कृषि में उन्नति इसलिए क्योंकि हमारा देश गाँव का देश है और यहाँ की 75% जनसंख्या जो है वो कृषि का कार्य करती है, यानी कृषि में जनसंख्या को रोजगार प्राप्त है। तो सबसे पहले यदि हमारे देश का विकास करना है या गांव ग्रामीण विकास करना है तो सबसे पहले हमें किसमें विकास की जरूरत थी, कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में विकास पर इस योजना में जोर दिया गया। प्रथम योजना जो की 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। द्वितीय योजना, द्वितीय जो हमारी पंचवर्षीय योजना उसकी जो अवधि रही वो 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर जोर दिया और फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने औद्योगिकरण पर स्ट्रेस दिया। औद्योगिकरण यानी क्योंकि हमारा देश ग्लोबलाइजेशन का वक्त है, वैश्वीकरण का वक्त है। वैश्वीकरण यानी हमारी अर्थव्यवस्था को हम विश्व की अर्थव्यवस्था से जब जोड़ते हैं तो हमें उनके साथ सब संबंध रखने पड़ते हैं, व्यापार से संबंधित भी संबंध हमें रखने पड़ते हैं, तो हमें वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात करना होता है। तो हमारा जो वस्तुएं यहाँ पर निर्मित हो तो वो इस गुणवत्ता की हो, वो इस क्वालिटी की हो कि वो हम यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उन वस्तुओं को बेचने के लिए भेजे तो वो वहां पर जो प्रतियोगिता है अन्य वस्तुओं से उसमें ठहर सकें और हमारी गुणवत्ता और कीमत दोनों ही इस प्रकार की हो, इस प्रकार की प्रतियोगी हो कि हमारा निर्यात आसान हो। तो इसलिए औद्योगिकरण जरूरी है, औद्योगिकरण में तकनीकी विकास। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली तो इसमें हमने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिकरण पे जोर दिया। तीसरी जो योजना थी उसकी अवधि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक 1966 तक चली। तो ये योजना में हमने विशेषकर आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन पे हमने जोर दिया। इस योजना में हमें सभी क्षेत्र पे न केवल प्राथमिक बल्कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में भी हमने हमारे ये उद्देश्य थे कि हमें आधुनिकीकरण अपनाना है। प्राथमिक क्षेत्र में कैसे, कृषि में कैसे आधुनिकीकरण अपनाना है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र में आपको जैसे आप कृषि कर रहे हैं तो परंपरावादी कृषि ना करके तकनीकी
उसमें आधारिक संरचना अपनाए। जैसे मान लो आपका आजकल जैसे खेती होती है, आप पहले बैलों के द्वारा खेती होती थी, अभी ट्रैक्टर से सारे काम हो जाते हैं, सीड ड्रिल है, इसके अलावा हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, तो सारी मशीनीकरण हमने कर दिया, तो इसके तहत हमारा काम एक तो आसानी से होता है, जल्दी होता है, और उसमें जो लागत आती है लागत भी कम लगती है। इसके अलावा हमने उन्नत किस्म के बीजों को हमने अपनाया, रासायनिक खाद उर्वरक और कीटनाशकों का हमने उसमें उपयोग किया, तो जिससे हमारी कृषि बहुत बड़ी यानी हरित क्रांति जो हम देश में लेकर आए, तो इसमें हमारी कृषि में अनाजों में बहुत उत्पादन हुआ। औद्योगिकरण में आधुनिकीकरण यानी हमें नई नई तकनीकी वाली मशीनें जो कि हमने देखा कि विकसित देशों में बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, तो उन्हीं टेक्नोलॉजी की मशीनें हमारे देश में हो ताकि हमारा उत्पादन जल्दी से और अच्छी क्वालिटी का और कम लागत वाला हो, तो हमने आधुनिकीकरण अपनाने पर जोर दिया तृतीय योजना में। फिर उसके बाद कुछ सामाजिक राजनीतिक कारणों के कारण पंचवर्षीय योजना ना करके तीन जो एक एक पंचवर्षीय योजना चाहिए गई, जो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक चली। चतुर्थ योजना हमारी 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। तो इसमें फिर दूसरी चीज है, जैसे आपका ऊर्जा से संबंधित विकास है, आधारिक संरचना जिसमें सिंचाई आती है, सड़क आती है और बिजली वगैरह आती है, ऊर्जा आती है, तो इन सब के विकास के लिए हमने इस पर जोर दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक चली, 1979 तक चली। फिर एक वर्ष के अंतराल में 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक एक वर्षीय योजना चली। छठवी योजना 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक चली। सातवीं योजना की जो अवधि थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक रही। फिर दो एक एक वर्षीय योजनाएं आई, जो 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक दो योजनाएं एक एक वर्षीय चली। आठवीं योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। नौवीं योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002, क्योंकि आधारभूत संरचना है, उसके बाद फिर हमारे देश की सामाजिक संरचना, जैसे कि आपकी शिक्षा आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है, तो शिक्षा में प्राइमरी लेवल के जो स्कूल्स हैं तो उसमें कितने बच्चे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ने लड़के लड़कियों का जो सकल नामांकन अनुपात है तो वो कितना परसेंट स्कूल में पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है, फिर उससे संबंधित योजनाएं बनाना। इसके अलावा यदि उच्च शिक्षा की बात, सेकेंडरी लेवल पे या स्नातक या स्नातकोत्तर की बात करते हैं, कॉलेजेस वगैरह कितने हैं, यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ और कितनी है, उसमें बढ़ोतरी करना, ये सारा इन योजनाओं के अंतर्गत हमने विकास किया। नौवीं योजना हमारी 1 अप्रैल 1997 से लेके 31 मार्च 2002 तक चली। वही दसवीं योजना, दसवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से लेके 2007 तक चली। और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही हमारे देश में वो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना रही। बारहवीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलेगी। तो ये सारी पंचवर्षीय योजना हमने जैसे उद्देश्य देखे थे, सारे ओवरऑल उद्देश्य कि हमें आर्थिक समानता लेकर आना है, हमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है, हमें विकास करना है, हमें सामाजिक न्याय भी उसके साथ साथ करना है, गरीबी उन्मूलन करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य करना है और अधिकतम सामाजिक कल्याण करना, ये ओवरऑल उद्देश्य इन सभी योजनाओं में रहे। और हमने लगभग कई उद्देश्य जो है वो हम प्राप्त कर भी लिए हैं, फिर भी जैसा कि कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये योजना में, ये जो पंचवर्षीय योजना है, 12 पंचवर्षीय योजना जो रही, इसमें कुछ सफलताएं भी रही और कुछ विफलताएं भी रही। तो फिर आइए हम उसका आकलन करते हैं कि कहाँ कहाँ ये जो पंचवर्षीय योजनाओं में और किस किस क्षेत्र में हम सफल रहे। तो यदि हम सफलताएं की बात करते हैं,
भारत में नियोजन की सफलताओं की यदि हम बात करते हैं, जो आर्थिक नियोजन चले उनकी सफलताओं की बात करते हैं, तो पहले जैसे राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी पहला जो हमारा अचीवमेंट था या हमारी जो उपलब्धि थी कि हमने हमारे देश की विभिन्न जो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान या आर्थिक नियोजन के दौरान जो हमारे देश में हमने राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में दोनों में ही वृद्धि की है। सन 1950-51 में जहां हमारी वर्तमान कीमतों पे राष्ट्रीय आय 9142 करोड़ थी, वही 2005 और 6 में बढ़ के 28,46,762 करोड़ हो गई। यानी हमने कई गुना जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर ली। इसके अलावा यदि हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय की यदि हम बात करते हैं, तो 1950-51 में हमारी प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति की जो आय थी, औसत आय वो 255 रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय हमारी 255 रुपए थी। वहीं 2005-06 की यदि हम तुलना करते हैं 1950-51 से, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय 255 रुपए से बढ़कर 25,716 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी हमने राष्ट्रीय न केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपितु प्रति व्यक्ति आय में भी हमारे देश में जो वृद्धि की है। तो इस प्रकार से हम नियोजन में की अवधि में यह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। ये एक सफलता कह सकते हैं हम हमारे आर्थिक नियोजन की। दूसरी यदि हम सफलता देखते हैं हमारे आर्थिक नियोजन की, तो देखते हैं कि बचत व विनियोग आय में वृद्धि, बचत सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बचत यानी प्रति व्यक्ति जो हमारा बचत करता है। आय के दो भाग होते हैं, इनकम के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका उपभोग और दूसरा बचत, है ना। क्योंकि आय को हम दो प्रकार से खर्च करते हैं, या दो भाग ऐसे होते हैं कि आय का एक भाग जो खर्च कर लिया जाता है और बाकी जो बच जाता है। तो बचत बात करते हैं क्योंकि बचत और विनियोग का सीधा संबंध है। यानी आप देखेंगे यदि उत्पादक जो है वो बचत करेगा तभी वो विनियोग या लाभ के उद्देश्य से उत्पादक इकाइयों में पैसा लगाना विनियोग कहलाता है। तो बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर होते हैं और बचत करने से ही अगले वर्ष विनियोग होता है। तो बचत और विनियोग में यदि हम देखते हैं तो 1950-51 में चालू मूल्यों पर 8.9% बचत हो रही थी और विनियोग 8.7%। यानी जितनी हमारी राष्ट्रीय आय थी उसका 8.9% बचत हो रही थी और 8.7% उसमें विनियोग में वृद्धि हो रही थी। वही 2005 और 6 की यदि इससे तुलना करते हैं, तो 2005-06 में जो बचत 8.9 से बढ़ के 32.4% हो गई और विनियोग 8.7% से बढ़ के 33.8% विनियोग। यानी ओवरऑल हम पूरे देश का देखते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट या इतना विनियोग बढ़ गया। तो इस प्रकार से नियोजन काल में हमने विभिन्न योजनाओं को लागू करने के बाद, प्रोत्साहन देने के बाद, हमने देखा कि बचत और विनियोग में वृद्धि हुई है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे आर्थिक नियोजन के समय हमारे देश में प्रगति हुई। तीसरा यदि हम सफलता के रूप में देखते हैं आर्थिक नियोजन की, तो कृषि क्षेत्र में विकास, कृषि क्षेत्र में हमने विकास देखा है। 1960 के दशक में हरित क्रांति हमारे यहाँ आई। हरित क्रांति के तहत हमारे देश में हमने जो है HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी उन्नत किस्म के बीजों को अपनाया, रासायनिक खाद को अपनाया, उर्वरक और इसके अलावा कीटनाशकों को अपनाया, सिंचाई की हमने अच्छी व्यवस्था की। तो हमने देखा कि हमारे देश में कई लाख टन अनाजों में विशेषकर गेहूं और चावल में बहुत अधिक उपज में। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 1950-51 जहां हमारा उत्पादन 508 लाख टन था, वही 2005-06 में बढ़ के 2083 लाख टन हो गया। यानी हमारे कई गुना हमारे कृषि क्षेत्र के विकास में वृद्धि हुई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ सिंचाई सुविधाएं बढ़ी हैं, क्योंकि
बिजली जिससे जहां जहां सिटी होती है तो गांव में अभी तक जो 85% ऐसे गांव है जहां पर बिजली पहुंच गई है और सिंचाई की व्यवस्था हो गई है, उन्नत किस्म के बीज हैं, खाद हैं, तो वो सभी कृषकों को उपलब्ध किए जा रहे हैं। उस पे सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता सरकार दे रही है, तो सारे कृषक जो हैं वो अपने कृषि क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और अपनी कृषि में कई गुना वो वृद्धि कर रहे हैं। यदि हम अगली सफलता देखते हैं आर्थिक नियोजन के दौरान, तो हम देखते हैं औद्योगिकरण, उद्योग। तो उद्योगों की यदि हम बात करते हैं तो इस उद्योगों की यदि हम बात करते हैं तो भारत में औद्योगिकरण के कारण भारत का आज वर्तमान में दसवां हमारा भारत जो है दसवां सबसे बड़ा औद्योगिक देश है। इसके अलावा जो हमारे देश में निर्यातों में वृद्धि हुई है, यानी यहाँ जो औद्योगिकरण के कारण वस्तुएं बनी, तो वो इस प्रकार से हमने उसमें तकनीकी विकास किया, इस प्रकार से औद्योगिकरण किया कि हमारी वस्तुएं अब अच्छी, काफी अच्छी गुणवत्ता की, और कीमतें भी जो प्रतियोगी कीमतें हैं, गुणवत्ता में भी हम प्रतियोगिता में ठहर रहे हैं, तो उसमें हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी हम उसमें स्टैंड कर पाए हैं, तो इसलिए हमारा निर्यात में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो है हमारे देश में जो भारी भारी उद्योग हैं, जैसे लोह इस्पात है, रसायन, सीमेंट आदि, ये जो भारी और आधारभूत उद्योग उनकी स्थापना हुई है। इसके लिए हम देखते हैं, यदि आंकड़े यदि हम देखते हैं तो 1950-51 में सार्वजनिक क्षेत्र के यानी वे क्षेत्र जिन पे सरकार का स्वामित्व है, तो सरकार का जिन पे स्वामित्व है ऐसे 5 उद्योग थे 1950-51 में। वहीं 2005-06 में ये उद्योग बढ़ के 242 हो गए। नवरत्न भी बेटा इसी में आते हैं। पांचवा यदि हम पॉइंट देखते हैं कि आर्थिक नियोजन के दौरान जो हमारे देश को सफलता मिली, तो वो विद्युत उत्पादन में हमने वृद्धि की है। विद्युत उत्पादन में जहाँ 1950-51 में हमारे यहाँ 5.1 अरब किलोवाट बिजली उत्पादित होती थी, वहीं 2005 और 2006 में विद्युत का उत्पादन बढ़ के 623.2 अरब किलोवाट हो गया। प्रति व्यक्ति खपत पर कैपिटल जो कंजम्पशन है, यदि हम उसकी बात करते हैं, तो प्रति व्यक्ति की विद्युत खपत जो है वो 1950-51 में 2.4 किलोवाट थी, वही 2005-06 में 33.6 किलोवाट बिजली का बढ़ोत्तरी हो गई प्रति व्यक्ति खपत में। और आज 85% से भी अधिक गांव ऐसे हैं जहां पे उन गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। तो इसे ये आर्थिक नियोजन की एक सफलता है। छठवीं यदि हम सफलता की बात करते हैं तो परिवहन एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में यदि हम बात करते हैं तो हम खुद देखते हैं कि कई वृद्धि हो, दिनों दिन हमारे जो ऐसे गांव जो शहर की सड़कों को जोड़ नहीं पाते थे, वहां पे सड़कों का लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे पानी वाली दिक्कतें आती थी, तो वहां जो है आपके पुल वगैरह ऐसे ब्रिजेस जिसमें कि आपसे आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। रेल मार्ग की यदि हम बात करते हैं तो 1950-51 में 53.6 हजार किलोमीटर रेल मार्ग था हमारे देश में नियोजन की शुरुआत के दौरान, वही 2005-06 में यह बढ़कर 63.3 हजार किलोमीटर हो गया। हमारे यहाँ रेलों ने भी दिनों दिन प्रगति की है रेल परिवहन में भी। हमने सड़क मार्ग की यदि हम बात करते हैं तो 1950-51 में 4 लाख किलोमीटर सड़कें थी हमारे यहाँ, वही 2005-06 आंकड़ों को यदि हम देखते हैं तो सड़कें 33.2 लाख किलोमीटर बढ़कर हो गई, यानी सड़क परिवहन में भी हमने काफी उन्नति की है। संचार क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो संचार क्षेत्र में 1950-51 में 36,000 डाकघर थे हमारे देश में। 1950-51 में 36,000 यानी 36,000 डाकघर थे, वही डाकघर 2005-06 में बढ़ के 1,55,516 डाकघर हो गए। तो ये तो रेल परिवहन, सड़क परिवहन, संचार क्षेत्र की बात थी। इसके अलावा हमने जल एवं वायु परिवहन में भी हमने तेजी से
विस्तार किया है। अगला जो हमने देख रहे हैं सफलताओं में, सातवां नंबर जो है शिक्षा और स्वास्थ्य का है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में भी हमने लगातार उन्नति की है। जैसे हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों की संख्या की यदि हम बात करते हैं, तो विश्वविद्यालयों की संख्या 1950-51 में जहां 27 थी, वो बढ़कर वर्तमान में 389 विश्वविद्यालय हो गए हैं। साक्षरता दर हम देखते हैं तो 1950-51 में हमारे यहाँ साक्षरता दर 16.6% थी, यानी 100 लोग ही सिर्फ साक्षर थे। वहीं 2001-02 की यदि हम बात करते हैं, आंकड़ों की यदि हम बात करते हैं, तो साक्षरता बढ़कर 64.8% हो गई। अभी वर्तमान में 74% हमारे यहाँ साक्षरता है। प्राथमिक स्कूलों की यदि हम बात करते हैं, तो प्राथमिक स्कूलों में 1950-51 में 2.3 लाख बच्चे थे जो प्राइमरी स्कूल जाते थे, और वर्तमान में 7.10 लाख बच्चे प्राथमिक स्कूल जा रहे हैं। 1950-51 में यदि हम 6 से 11 वर्ष बच्चों की बात करते हैं तो 42.6% बच्चे स्कूल जाते थे। वहीं वर्तमान में हम देखते हैं कि 98.31 यानी 98.31% बच्चे स्कूल जाते हैं। 11 से 14 वर्ष के बच्चे मानते हैं तो 11-14 वर्ष के बच्चे 1950-51 में 12.7% बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, यानी 100 में से लगभग 12 बच्चे ही थे जो स्कूल जाते थे 11 से 14 वर्ष के बीच में। और 2005-06 की यदि हम बात करते हैं तो इस समय 64.49 बच्चे जो 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच में है वो स्कूल जाते हैं। महाविद्यालय 1950-51 में 578 महाविद्यालय हमारे देश में थे, वही बढ़ गए 2005-06 में 46,796। स्नातक व स्नातकोत्तर दोनों महाविद्यालयों की स्थापना यहाँ हो गई है। तो ये शिक्षा की बात होती है, तो न केवल शिक्षा वरन हमने स्वास्थ्य में भी काफी उन्नति की है। स्वास्थ्य सेवाओं की यदि हम बात करते हैं हमारे देश में नियोजन या आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान, तो 1950-51 में 9,200 जो अस्पताल थे, वहीं 2005 में बढ़ गई है 27,770 लाख हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हो गए, यानी हमारे यहाँ सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनकी संख्या बढ़ के 27,770 लाख 2005-06 में हो गई। वहीं पंजीकृत डॉक्टर जो 1950-51 में 61,800 थे, वे बढ़कर 2005-06 में 6,56 लाख हो गए। न केवल हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी है, वरन हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन की प्रत्याशा, जीवन जीने की अधिकतम आयु भी हमारे देश में बढ़ी है। जो पहले 1950-51 को यदि हम मेजर करते हैं तो एक व्यक्ति जो जन्म लेगा तो ये माना जाता था कि वो 32 वर्ष तक कम से कम जिएगा, लेकिन अब ये जो है जीवन प्रत्याशा बढ़ के 65.4% हो गई। तो इन सब के पीछे जो कारण है, जीवन प्रत्याशा बढ़ने के पीछे कारण जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और बहुत सारे वैक्सीनेशन वगैरह हमारे यहाँ डेवलप हो गए, तो ये सारी सेवाओं के कारण से हमारी जीवन प्रत्याशा ना केवल स्वास्थ्य में सुधार हुआ है वरन जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है। बैंकिंग क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो बैंकिंग क्षेत्र में भी हमने काफी उन्नति की है। 1950-51 में जहां बैंकिंग क्षेत्र 2,647 व्यावसायिक बैंक की शाखाएं थी हमारे देश में, वहीं 3 जून 2006 के अंत तक यदि देखते हैं तो ये बढ़कर व्यावसायिक बैंकों की शाखा 69,616 हो गई। निर्यात, अगली जो नियोजन की सफलता है, हमने निर्यात व आयात दोनों में ही वृद्धि की है। 1950-51 में जहां आयात 608 करोड़ रुपए के हुए, वही निर्यात 606 करोड़ रुपए, वे बढ़कर 2005-06 में आयात 660,409 करोड़ रुपए के और निर्यात 456,418 करोड़ रुपए के
हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने आर्थिक नियोजन में हमने किस प्रकार से सफलता हासिल की है। अब सफलता की बात करते हैं तो सफलता के बाद आर्थिक नियोजन में हमारे कुछ असफलताएं भी रही, हमारे देश में कुछ असफलताएं भी रही। असफलताओं में यदि हम देखते हैं तो एक तो ये होता है कि हमारे राष्ट्रीय आय की में प्रगति जो थी वो धीमी गति से प्रगति हुई राष्ट्रीय आय में आर्थिक नियोजन के दौरान, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी हम देखते हैं कि जो हमारे देश में 21% जनसंख्या है वो निर्धनता के नीचे निवास कर रही है। दूसरा हम देखते हैं आर्थिक नियोजन में असफलता, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार हमने 100% आर्थिक नियोजन के दौरान सफलता हासिल नहीं की, इसमें काफी असफलताएं रही। तो उसमें एक असफलता आपकी राष्ट्रीय आय में धीमी गति से वृद्धि हुई है। दूसरी असफलता क्षेत्रीय असंतुलन, असंतुलन हमारे यहाँ रहा है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि औद्योगिकरण जब हमारे देश में हुआ तो उसमें कुछ क्षेत्रों का तो विकास हो गया, कुछ क्षेत्रों में औद्योगिकरण हो गया, वहां पे उद्योग धंधों की स्थापना हो गई, वहां वहां के क्षेत्र का विकास हो गया, लेकिन बाकी जो क्षेत्र है वो वहां औद्योगिकरण ना होने के कारण वो पिछड़े रह गए और उनका विकास नहीं हुआ। यदि हम इसी की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है और उड़ीसा है, तो ये हम यदि हम आकलन करते हैं तुलनात्मक रूप से तो ये जो राज्य है हमारे यहाँ पिछड़े हुए राज्य हैं। वहीं पे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, ये तुलनात्मक रूप से हमारे देश में विकसित राज्य रहे हैं। तीसरी जो हम असफलता की बात करते हैं तो वो मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि हम देख रहे हैं कि कई गुना की मूल्य वृद्धि हुई, हम जब से हमने आर्थिक नियोजन हमने चालू किया तो हमारे यहाँ जो थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक यानी बाजार में जो थोक में चीजें मिली हैं, तो थोक मूल्य सूचकांक में हमारे यहाँ बढ़ोतरी हुई है। और महंगाई की यदि हम बात करते हैं तो 27 गुना महंगाई में वृद्धि हुई है। इसके अलावा बेरोजगारी में भी हमारे यहाँ वृद्धि हुई है। आज लगभग, पहले जहाँ प्रथम योजना हमने प्रारंभ की थी तो 33 लाख लोग लगभग बेरोजगार थे, वही बढ़कर हमने देखा कि आज लगभग बेरोजगारी अनुमान के अनुसार 4 करोड़ लोग जो है वो ऐसे अभी तक बेरोजगार है। पांचवी जो हम असफलता की बात करते हैं वो धन और आय के वितरण में असमानता है। तो हम नियोजन या औद्योगिकरण आर्थिक नियोजन के दौरान हमने देखा कि विकास तो हुआ है, विकास के तहत हम देख रहे हैं कि अमीर व्यक्ति तो और अमीर होता जा रहा है और गरीब व्यक्ति और गरीब, यानी उनकी आय में बहुत असमानता आ गई है। सार्वजनिक उद्यमों की असफलता हम देख रहे हैं कि अन्य असफलता के रूप में यदि हम देखते हैं आर्थिक नियोजन में, तो सार्वजनिक उद्यमों की असफलता जो हमारे गवर्नमेंट के पास जो क्षेत्रक हैं, गवर्नमेंट ओन्ड एंड ऑपरेटेड जो क्षेत्रक हैं हम देखते हैं जिनका जिनपे सरकार का स्वामित्व है, वो इतना उत्पादकता नहीं दे पा रहे हैं और उसमें से बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो अभी भी हानि में चल रहे हैं। तो ये कुछ सफलताएं और असफलताएं थी हमारे आर्थिक नियोजन की, पर ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि काफी सफलता हमने हासिल की और हमारे सामने अभी बहुत चुनौतियां हैं कि जिसको हमको बहुत सारे लक्ष्य ऐसे हैं जिनको हमें हासिल करना है। इसके लिए भारतीय योजना आयोग ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया 2003 में, जनवरी 2003 में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसे कि इंडिया विजन 2020 के नाम से जाना जा। इस दस्तावेज के अनुसार 2020 तक भारत एक तो विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, ऐसा योजना आयोग का अनुमान है कि हमें हमें ऐसे लक्ष्य प्राप्त करना है कि 2020 तक हम विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएं। इसके अलावा अन्य जो इसमें लक्ष्य थे उनके कि देश से गरीबी को दूर करना है, निरक्षरता दूर करना है, बेरोजगार पूर्णतः दूर हो जाएगी 2020 तक। इसके अलावा उनका ऐसा अनुमान है, योजना आयोग का ऐसा अनुमान है कि यहाँ की जो 135 करोड़ जनसंख्या है 2020 तक वो बेहतर पोषित होगी, यानी उनको पोषण बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा रहन सहन वो जिएंगे, यानी जीवन स्तर में उनके सुधार आएगा और वो पूर्णतः स्वस्थ और अधिक औसत आयु वाला जीवन वो जिएंगे। तो ये 2020 तक का हमारा लक्ष्य, विजन 2020 का हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा कुछ शब्दावली बेटा हमने देखा है कि आर्थिक कल्याण, तो आर्थिक कल्याण
करते हैं तो आर्थिक कल्याण का मतलब यह है कि देश के में जो उपलब्ध संसाधन है तो उनका इस प्रकार से दोहन करना, इस प्रकार से उपयोग करना कि अधिकतम सामाजिक कल्याण हो। दूसरा आपने शब्दावली देखा, इसमें वणिकवाद, वणिकवाद, वणिकवाद यानी हमने देखा कि कुछ यूरोप में ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनका ऐसा मानना था, जो 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य उनका ऐसा मानना था कि यदि हम सोने चांदी में बढ़ोतरी करते हैं तो वही आर्थिक विकास है, वही उसी में बढ़ोतरी करना आर्थिक विकास माना गया था। राष्ट्रीय आय, जैसा कि हमने पुराने चैप्टर में भी पढ़ा था कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग और उसमें विदेशों से प्राप्त यदि शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो ये हमारी राष्ट्रीय आय बन जाती है। यदि सरलता से कहें कि हमारे देश के संपूर्ण जितनी भी जनसंख्या है उसकी आय मिला के ये राष्ट्रीय आय होती है। प्रति व्यक्ति आय एक प्रकार से औसत आय होती है। यदि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या है तो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की अधिकतम आयु, यानी एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया है तो अधिकतम कितनी आयु जिएगा, जो अभी हमारे यहाँ वर्तमान में 65 वर्ष है। नियोजन, नियोजन यानी निर्धारित और स्पष्ट लक्ष्यों को लेकर सुनिश्चित समय में आर्थिक संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करना नियोजन कहलाता है। शिशु मृत्यु दर की हम बात करते हैं तो शिशु मृत्यु दर जो है वो 0 से लेके 1 वर्ष के जो बच्चे हैं तो 1000 लोगों में बच्चे जितने जन्म लिए तो 0 से 1 साल के बीच में कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, वही शिशु मृत्यु दर है। क्षेत्रीय असंतुलन, जैसे अभी हमने पढ़ा क्षेत्रीय असंतुलन यानी कि औद्योगिकरण के कारण कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अधिक सुधार आधारिक संरचना का हो जाता है लेकिन कुछ क्षेत्र जहाँ पे औद्योगिकरण नहीं होने के कारण वो पिछड़े रह जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ क्षेत्रों में विकास होना, कुछ में विकास नहीं होना क्षेत्रीय असंतुलन कहलाता है। थोक मूल्य यानी बाजार में जो वस्तुएं थोक पे मिलती हैं उन वस्तुओं को जो व्यापारी खरीदते हैं थोक के यानी बल्क में जो खरीदते हैं उनका जो मूल्य होता है वो थोक मूल्य कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र क्षेत्र यानी हमारे यहाँ जो सरकार का जो स्वामित्व वाले क्षेत्र रहते हैं उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। मानव विकास संकेतक बेटा शब्दावली इसमें दी है तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है मानव विकास संकेतक प्रसारित किए जाते हैं, हर साल विकसित किए जाते हैं। तो इसमें 3 बातें आती हैं, एक तो शिक्षा आती है, प्रतिवृत्ति आय आती है और स्वास्थ्य, ये तीनों को मिला के मानव विकास संकेतक बनाया जाता है। विनियोग, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट या इसे निवेश भी कहते हैं। लाभ के उद्देश्य में उत्पादक क्षेत्रों में अपना पैसा लगाना विनियोग कहलाता है। तो बेटा आपका ये आर्थिक विकास और नियोजन था। तो अब नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे ये सारी चीज याद करके रखेंगे, इसमें जो भी प्रश्न होते हैं वो सारे बच्चे याद करके रखेंगे, है ना। जैसे आर्थिक नियोजन क्या होता है, आर्थिक नियोजन की सफलताएं कौन कौन सी हैं और असफलताएं कौन कौन सी हैं, इसके अलावा योजना आयोग की स्थापना कब हुई है और हमारी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी अवधि कहाँ से कहाँ तक चली है, उसमें 3 जो वार्षिक योजना है उसकी अवधि, इसके बारे में बच्चे याद करेंगे, ठीक है। अब बेटा आप लोगों की क्लास लंच के बाद होगी।